Welcome to SJ Inceptions, your Aquarium channel. Right now, I am at Exotic Aquatics, located at Wakola in Santa Cruz East. So, finally, Exotic Aquatics में अब आया हुआ है बहुत सारा नया fresh beta fish का stock, जो हम लोग आपको इस वीडियो में दिखाने वाले. आपको इस shop का address on screen और video description में मिल जाएगा. So, बने रहिए वीडियो के अंत तक. बहुत सारे varieties और बहुत सारा खूबसूरत beta fish का stock आपको देखने को मिलेगा. सो मेरे जैसे बीटा फिश फैंस, बीटा फिश लवर्स के लिए ये है एक हेवन. आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत वैरायटीज के बीटा फिश है, अलग अलग पैटर्न्स और कलर्स वाले. सो बहुत सारे ऑप्शंस है आपको इसमें से चूज करने के लिए. मैं जो भी फिश शॉप की वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीटा फिश दिखाइए. चार पांच कमेंट्स तो ऐसे होते ही है कि बीटा फिश का स्टॉक कवर कीजिए, बीटा फिश दिखाइए, बट स्टॉक दिखाने लायक नहीं होता, या तो लेफ्ट ओवर स्टॉक होता है. बट ये वीडियो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बीटा फिश. एक्सॉटिक एक्वेटिक्स इज द वन एंड ओनली प्लेस जहाँ पे आपको बहुत सारे बीटा फिश मिलेंगे. अगर आपको लो रेंज के चाहिए, लो रेंज के मिलेंगे. हाई रेंज में हटके अनकॉमन बीटा फिश चाहिए, वैसे भी मिलेंगे. सो दिस इज द वन स्टॉप प्लेस फॉर एनी बीटा फिश टाइप दैट यू विश टू कीप, दैट यू वॉन्ट टू कीप. सो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हर एक बीटा फिश हम आपको दिखाने वाले हैं. सो यहाँ पे है हमारे साथ एक्सोटिक एक्वेटिक्स के ओनर्स. ऑन द लेफ्ट साइड इज फारूक सर, ऑन द राइट साइड इज साहिल सर. कैसे हो आप? आई एम गुड एज वेल. हमेशा आपका स्टॉक देखने के बाद माइंड रिफ्रेश हो जाता है. सो आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल आर व्यूवर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय एनी बीटा फिश और वॉन्ट टू कीप अ बीटा फिश इन फ्यूचर सून. विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, दे शुड डायरेक्टली हेड टूवर्ड्स एक्सोटिक एक्वेटिक्स. बिकॉज मैं जितने भी जगह पर घूम के आया हूँ, जितने जगह मुझे पता है, एक्सोटिक एक्वेटिक्स इज ऐसी एक ही प्लेस है जहाँ पे क्वालिटी तो है ही, बट क्वालिटी गोज हैंड इन हैंड क्वांटिटी के साथ. तो जितने जगह मुझे पता है, जितने जगह मैं जाकर आया हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ इन मुंबई एंड इन एंटायर महाराष्ट्र, ऐसा एक ही एक्सोटिक एक्वेटिक्स एक्वेरियम फिश शॉप है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बीटा फिश का स्टॉक देखने को मिलेगा. ऑप्शंस मिलेंगे, वैरायटीज मिलेंगे, पैटर्न के साथ, कलर्स के साथ, जो जैसी बीटा फिश फैंस की, बीटा फिश कीपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे एक्सोटिक एक्वेटिक्स में. एंड इंडिया का तो श्योरिटी से बोल नहीं सकता, बट इंडिया में भी वन ऑफ द बेस्ट बीटा फिश शॉप तो है ही एक्सोटिक एक्वेटिक्स एक्वेरियम फिश शॉप. क्या बोलना चाहिए साहिल भाई, क्या बोलना चाहिए फारूक भाई? आप देखोगे यहाँ पे ट्रेज है, एटलीस्ट 500 पीसेस इज ऑलवेज अवेलेबल इन आवर स्टॉक. तो इस बार वी हैव गॉट हाफ मून्स, ओवर हाफ मून्स आया है, रोस्टेड आया है. देन आप देखोगे इसमें कैंडी प्लकैट्स है, एलिफेंट ईयर्स जनरली सुपर डेल्टा वैराइटीज आता था, बट इस बार एलिफेंट ईयर्स हाफ मून्स है, ओवर हाफ मून्स है, एलिफेंट ईयर रोज टेल्स है. तो अगर आप ऐसे देखने होंगे तो एटलीस्ट 7-8 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फाइटर्स अवेलेबल है. इसमें कलर्स भी है, क्वांटिटी है, क्वालिटी तो एज एवरीवन नोस क्वालिटी ऑफ द वी हैव गुड एवरीवन. राइट, तो तो फारूक भाई, बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के ऊपर आपके स्टॉक की तारीफ की है. लेटेस्ट वीडियो भी जो हमने बनाया था आपका, बहुत सारे अप्रिशिएटिंग कमेंट्स है, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स है अप्रिशिएटिंग योर बीटा फिश स्टॉक. क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, आपके सपोर्टर्स को? सलाम करूंगा और थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप हमें इतना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और इसी तरह हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे इंसेप्शन की मदद के थ्रू. वो भी बेचारे काफ़ी लॉकडाउन में अपना टाइम निकाल कर, कीमती वक्त निकाल करके हमारे शॉप पर आते हैं स्पेशल बीटास के लिए. उनको भी पता है यहाँ पर जो बीटास मिलती है दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलती. जैसे कि ऐसे इंसेप्शन ये कई दुकानों में, कई शॉप्स में, कई एक्वेरियम में घूमते हैं, इनको यहाँ की पर्सनली चीज़ें, मतलब पर्सनली तो इतनी वैरायटी कहीं और देखने नहीं मिलती हमारी शॉप के अलावा. मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप खुद आइए, विजिट कीजिए और बीटास को देखिए. दोस्तों मैं जैसे कि आपको एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा इस बीटा रैक के सेक्शन में, तो आपको दिखाना चाहूँगा. बाकी का जो डिटेल में आपको जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं बीटा की, क्वालिटीज, नेम वगैरह, वैराइटीज, साहिल भाई आपको पूरे डिटेल में बताएंगे.
ये बीटा का जो रैक दिख रहा है दोस्तों, इसमें एक एक बीटा अपनी अपनी खासियत रखती है दोस्तों, अपना अपना एक कलर, अपनी अपनी एक वरायटी रखती है दोस्तों। जैसे आप आपको मतलब एक रेयर से रेयर वरायटी आपको चाहिए होती है, तो हम उसके लिए फुलफिल करने के लिए आपको तैयार है। ये बीटा में हमने एक एक बीटा को हैंड पिक किया हुआ है, जैसे एक मोती को जैसे ढूंढ कर निकालते समंदर में से, इस तरीके से हमने जैसे ये आपको जैसे रेड कलर की बीटा हो गया, फैंसी वरायटी, ये हमने ढूंढ कर निकाला है और खास आपके लिए निकाला है दोस्तों। तो आप मैं तो आपसे कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके एक्जोटिक एक्वेटिक में आइए, या तो इंस्टाग्राम पर जाइए, हमें कॉल कीजिए, वरना ये स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है दोस्तों। जितना हरी करोगे उतना आपको अच्छी चीज और अच्छी क्वालिटी की बीटास मिलेगी जी। फारूक भाई और साहिल भाई आपका नंबर बता दीजिए, वैसे तो वो फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर, फिर भी एक बार बता दीजिए। जी मेरा नंबर है, मेरा नाम फारूक है और मेरा नंबर है 9870942605। और मेरा नाम साहिल है और मेरा नंबर है 9820192727। ऑल राइट, सो विथ योर परमिशन कैन वी प्रोसीड अहेड? थैंक यू। सो दिस इज द फर्स्ट बीटा फिश, वेरी एक्टिव, काफ़ी स्विफ्टली मूव कर रही है टैंक में, पूरे बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो, कलर्स के साथ वेरिएशन है पैटर्न का। क्या नाम है भाई साहिल भाई इसका? भाई ये एक हाफ मून फैंसी है, जैसे आप देख सकते हो उसका कलर्स में, इसको एक बॉडी इज ब्लू, बीच में एक रेड पैच है, देन अगेन एट द एंड उसको एक ब्लू बैंड आता है जी। सो दिस कम्स अंडर अ फैंसी वैरायटी। ओके, तो ये एक हाफ मून फैंसी है जी। साइज भी इसका काफी अच्छा है, मतलब लार्ज साइज में अवेलेबल है ये पीस। राइट राइट, एंड दिस इज आल्सो एन एक्सक्लूसिव पीस, मतलब ज्यादा करके ये पैटर्न आता नहीं है। राइट, एंड आता भी है तो वेरियस सेलर्स के सुपर डेल्टा, डेल्टा वैरायटीज में आता है। बराबर, मतलब हमने अपने पास यहाँ पे हाफ मून वैरायटी में सेम पीस आया है, जैसे आप देख सकते हो उसका कलर पैटर्न वगैरह। सो अब ये जो बीटा फिश हम आपको दिखा रहे, बेहद स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है इसका। बॉडी जो है सेंटर के तरफ आप देख सकते हो पैटर्न से भरी हुई है, और सारे फिन्स के आप बीचों बीच देख सकते हो एक अलग कलर है, एक बेस कलर और है, और बीचों बीच एक दूसरा कलर है। ये वाला साहिल भाई क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? ये एक पीच फैंसी है, जैसे आप बॉडी देखोगे उस पर मार्बल पैटर्न है जी जी, जैसे मार्बल फैंसी वैसे आती है वैसा, एंड जो फिन्स है वो पीच कलर है। सो नाउ हियर इज अनदर स्टनिंग बीटा फिश फिल्ड विद फुल ऑफ पैटर्न्स राइट ऑन द बॉडी एंड ऑन ऑल द फिन्स। ये वाली साहिल भाई कौन सी बीटा फिश है आपके पास? बेहद खूबसूरत पैटर्न से भरी हुई, फुर्ती से यहाँ वहाँ स्विम कर रही है ये। आप एक्चुअली देखोगे तो एक मार्बल फैंसी इसको कहा जा सकता है। अच्छा। जैसे आप इस पे देखोगे इसकी बॉडी पे कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे ब्लू स्पॉट्स नहीं है जी, आप फेस से लेके टेल तक ब्लू स्पॉटिंग है उसके ऊपर, रेड है। राइट, तो अगेन ये एक फैंसी वैरायटी है हाफ मून में, जिसमें फेस के पास थोड़ा व्हाइट है, देन अगेन बॉडी ब्लू है, फिन्स आर रेड एंड अगेन फिन्स आर ब्लू एज वेल। तो ये अगेन एक मार्बल फैंसी वैरायटी में जो है, ये भी काफी यूनिक पीस है, जैसे आप देख सकते हो उसका कलरेशन जो है राइट, इट्स टोटली डिफरेंट इन कलर। सो ये है एक अगली फुर्तीली बीटा फिश, आप इसके फिन देख सकते हो, इसने सारे हमारे वीडियो के लिए फ्लेयर करके रखे, इसको क्या बोल सकते हैं फारूक भाई हम? दोस्तों जैसे आपने सब तरीके की वैरायटी देखी होंगी, एक ये बहुत यूनिक और एक्जॉटिक फिश में नज़र आती है, आप इसे नोटिस कीजिए। एक तो प्योर 24 कैरेट गोल्ड होती है, ये थोड़ा हटके से वैरायटी है, जैसे ब्लैक एंड गोल्ड टाइप में, शाइनी टाइप में इसका कलर उभरता हुआ, और इसके ब्लैक कलर में जो स्किल्स जो उभर रहे हैं उससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों। और इसमें खासियत ये है कि गोल्डन तरीके से उसकी जो टेल है वो चमकती है, आप नोटिस करोगे वीडियो में अच्छी तरीके से नज़र आ रही होगी, और हल्का सा उसके टेल पर ट्रांसपेरेशन, मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट रहता है ना दोस्तों येलो कलर में, हल्का सा वाइट ट्रांसपेरेंट वैसा नज़र आ रहा है। ये आप जो देख रहे हो ये एक फैंसी मस्टर्ड गैस है जी, ये एक ओवर हाफ मून पैटर्न में है, रोज टेल वैरायटी। ओके, ओवर हाफ मून एज इन जो उसका टेल होता है, इट हैज अ स्प्रेड ऑफ मोर देन 180 डिग्री से ज्यादा जब स्पैन हो जाता है जी, तो वो कंसिडर होता है ओवर हाफ मून में। ओके, जैसे आप इसका बैक का फिन देखोगे जो स्प्रेड होता है, दैट इज मोर देन 180 डिग्री जी। एंड ये वैरायटी जो है इट इज इन अ रोज टेल पैटर्न। ओके, इसके जो पीछे जो फिन्स है जो 180 स्टैंड होता है, इट हैज अ फ्लावर टाइप ऑफ अ पैटर्न ऑन द एंड। राइट राइट, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रोज टेल फैंसी, जो ये टेल की तरफ हाईलाइट हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही जो चीज है। ओके, कलर भी आप देख सकते हो एकदम वाइब्रेंट ब्राइट है, आई प्लीजिंग सा मस्टर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इट हैज येलो इन इट, तो येलो इज
जी ये कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा लग रहा है, ब्लू है, ब्लैक है, येलो है, तो बहुत ही मतलब ट्राई कलर हो गया इस बीटा में ये। मस्टर्ड गैस इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ गैस एज इन व्हेन यू सी अ फ्लेम ऑफ अ गैस इट इज ब्लू इन कलर, राइट, एंड येलो इज अ मस्टर्ड कलर, सो इट इज कॉल्ड एज अ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस फैंसी है ये। ओके, सो यहाँ पे है एक बेहद लाजवाब पीटा फिश। लाजवाब मैंने इसलिए कहा बिकॉज आप इसकी जो टेल फिन है, डॉर्सल फिन है, एनल फिन, आप देख सकते हो पूरे तीनों फिन का जो स्प्रेड है, तीनों फिन का जो साइज़ है एज कम्पेयर टू द अदर बीटा जिसका बहुत ही ज़्यादा साइज़ है और फैला हुआ है, एक निशान नहीं है स्पॉट का, पूरी एकदम प्रॉपर है, प्योर है, पूरी जो उसका कलर है एकदम प्योर कलर है उसको। ये वाली भाई इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आपने इससे पहले देखा था वो फैंसी मस्टर्ड गैस था, दिस इज अ प्योर मस्टर्ड गैस ब्रीड विद ब्लैक फेस। जैसे आप इसका फेस देखोगे जी तो इट हैज ब्लैक एंड देन उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है, देन येलो फिन्स, तो दिस इज अ ब्लैक फेस मस्टर्ड गैस हाफ मून, राइट, अगेन हाफ मून जस्ट बिकॉज वो टेल है 180 स्प्रेड है, एंड जैसे आप देखोगे उसका जो पीछे फिन है जो 180 स्प्रेड होता है उस पर एक ब्लैक कलर की बॉर्डर भी दिखाई देगी, राइट राइट, तो उसकी वजह से थोड़ा उसका ब्यूटी और एनहांस हो जाता है। एग्जैक्टली, so this is a black face mustard gas half moon, okay, so actually जो border पे जो highlight हुआ है color जो इसके body के ऊपर है इसके वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो और भी double हो चुकी है। exactly, ऐसे uncommon unusual beta सिर्फ और सिर्फ exotic aquatics में देखने को मिलते हैं, जितना मैं enjoy कर रहा हूँ मैं आशा करता हूँ कि जो देखने वाले हर एक beta fish fans beta fish lovers भी enjoy करते होंगे। so ज़रूर comment कीजिए कि आपका फेवरेट बीटा फिश, जितने भी हम बीटा फिश अब तक दिखाए आगे दिखाने वाले उसमें से आपका फेवरेट कौन सा आपको सबसे ज़्यादा लगा। सो हियर इज़ द नेक्स्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बीटा फिश। एक्सोटिक एक्वेटिक्स में आपको ट्राई कलर बीटा मिलेंगे, डुअल कलर बीटा मिलेंगे एंड जिनको सिंगल कलर चाहिए वो भी बीटा आपको मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसे जो बीटा फिश आपको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे इनके पास फुलफिल हो जाएगी। ये वाली साइल बाय रेड ब्यूटी है, क्या नाम है इसका? ये एक चिली रेड है, हाफ मून वैरायटी में। ओके, जैसा हमेशा चिली रेड्स का रिक्वायरमेंट हमेशा आप लोग का ज़्यादा ही आता है। ओके, तो इस बार भी ज़्यादा नहीं आ पाया, 40-50 अराउंड सिर्फ चिली रेड्स मंगाया हुआ है। अच्छा, तो इसका स्पेशलिटी ये रहती है कि इसका बॉडी इज ऑल्सो रेड इन कलर। एग्जैक्टली, जनरली जो बॉडी होता है रेड्स में वो थोड़ा पेल रेड होता है, बट इन दिस बॉडी भी इक्वली रेड है जैसे उसके फिन्स होते हैं। ये बीटा फिश आती है डम्बो ईयर में और आप इसका गिल्स का जो फिन है जो जिसको ईयर कहा जाता है तो वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है एंड ऑल्सो इट्स प्योर वाइट इन कलर। ये वाला भाई क्या है? भाई इसको ब्लू बटरफ्लाई डम्बो के नाम से जानी जाती है ये फिश। अच्छा, और ये फिश में एक ऐसी खासियत है जो इसके एयर से जी, तो लाइक एलिफेंट के जैसे एयर से बड़े पहले हुए जो रहते हैं बराबर, इसके मतलब एयर्स वैसे होते हैं और वो ये फिश में इसकी खूबसूरती यही बढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मल बीटा फिश में जिसके एयर्स सिर्फ गिल्स दिखते हैं और छोटे से एयर्स दिखते हैं, लेकिन इसके जो एयर्स है ना लाइक एलिफेंट एयर्स होते हैं, right. बड़े बड़े कान जिसको बोल सकते हैं, राइट राइट right. तो वो और इसके मतलब लहराने की जो तरीका है नॉर्मल बीटा फिश से थोड़ा सा अलग रहता है बराबर. तो इसकी खूबसूरती इसी तरीके से बढ़ती है दोस्तों right. और ये थोड़ी अलग यूनिक टाइप में फिश है और इसके भी चाहने वाले बहुत है दोस्तों मार्केट। सही बात है। ये वाली बीटा फिश जो हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं इसके तो फिन्स के ऊपर भी पैटर्न छाया हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं भाई हम? ये आप देखोगे ये भी एक मस्टर्ड फैंसी गैस है। ओके, जैसे आप उसका क्लोडल फिन्स देखोगे जो रेज जनरली कलर्ड रहती है जी, इसमें टेल इज टोटली कलर्ड एंड रेज उसका जो है ना वाइट इन कलर है, राइट right. तो इट्स वेरी प्रोमिनेंट, जो रेज पीछे जाती है वो वेरी प्रोमिनेंटली विजिबल है इस टेल में। जी जी, एंड इसका टेल थोड़ा सेलोफोन कलर है एज इन ट्रांसपेरेंट जैसा है बराबर, तो इसमें आपको ब्लू, येलो, ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट चारों चार पांच कलर्स आपको क्लियरली विजिबल रहेगा इसके अंदर, राइट right. तो ये भी एक फैंसी वैरायटी है, दिस इज आल्सो ओवर हाफ मून, इसका टेल 180 से ज़्यादा स्प्रेड होगा इनफैक्ट, राइट right. सो ये मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक बीटा फिश है आपके स्टॉक में exactly. और बहुत लोगों का इसके ऊपर दिल आया होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वाला जो बीटा फिश है ये बहुत से लोगों को लेने का मन रखने का मन करेगा। ये वाला भाई कौन सा बीटा है?
ये जैसे आप देखोगे ये एक रोज टेल ओवर हाफ मून फैंसी वैरायटी है जी। जैसे आप देख सकते हो उसका टोटल फिंस पे जैसा फ्रिल्स जैसा लग रहा है जी जी। सो वो जो है वो ओवर हाफ मून रोज टेल वैरायटी में आती है। अच्छा, ओवर हाफ मून एज इन उसका 180 से ज्यादा टेल है इसीलिए। ओके, एंड वो फ्रिल्स जो आपको देखने आ रहे हो फ्रिल्स की वजह से इट इज कॉल्ड एज अ रोज टेल। ओके, ऐसा रोज के पहले पेटल्स रहते हैं जी जी, सेम वैसे उसके फिंस के एजेस पे पेटल्स देखेंगे आप। ओ, तो इसीलिए इट इज एज अ रोज टेल वैरायटी। इस वाले बीटा फिश की हम एक खासियत देख सकते हैं कि इसके सम पार्ट्स ऑफ द फिन्स आर ट्रांसपेरेंट, ईच एंड एवरी फिन पार्ट हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी थ्रू देम। क्या ये सही है भाई? एग्जैक्टली, ये जो है ना एक सिलिकॉन पांडा वैरायटी है। अच्छा, ये भी हाफ मून वैरायटी में है। आप जैसे देखोगे इस पे थोड़ा सेलिफोन है, थोड़ा ब्लैक है एंड थोड़े इस पे ब्लू स्पॉटिंग्स भी है जी। ये जो है पांडा वैरायटी में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो कहते हैं पांडा वैरायटी। बराबर, तो ये पांडा वैरायटी में एक हाफ मून है जिसपे ब्लू रेज भी है। आप जैसे थोड़ा क्लियरली आप देखोगे जी जी जी, तो उस पर ब्लू रेज भी विजिबल है काफी। तो ये भी एक फैंसी वैरायटी, पांडा फैंसी करा इसको कहा जा सकता है। राइट, सो ये है नेक्स्ट बीटा फिश, बहुत ही सुंदर फिन से इसके बॉर्डर भी आप देख सकते हो। इसके बारे में हमको बताया कि फारूक भाई क्या बताना चाहोगे भाई आप इसके बारे में? दोस्तों जी, जिस तरह से आप ये फिश की क्वालिटी, कलर बहुत ब्राइट तरीके से नजर आ रहे हैं जी, और ये एक हाफ मून में फैंसी वैरायटी है। ओके, आप जैसे नोटिस कर सकते हो इसके स्किल्स आपको आसानी से नजर आ रहे होंगे वीडियो में जी, और बहुत खूबसूरत तरीके से एक कलर उभरता हुआ दिख रहा है इसमें। ये जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे थे अभी तक का जो एक मस्टर्ड गैस वैरायटी जो आप देखे थे जी, ये मस्टर्ड गैस में एलिफेंट ईयर हाफ मून वैरायटी है, ओवर हाफ मून। ओके, इसका भी टेल 180 से ज्यादा स्पैन है। ये है फुल सिंगल कलर में बीटा फिश, आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा है। ये वाला फारूक भाई क्या है? दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में लहराती हुई मच्छी जी, इसे सनशाइन येलो के नाम से इसका कलर आप नोटिस करोगे सनशाइन येलो टाइप में आता है। बराबर, और ये बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल फिश होती है दोस्तों। जैसे कि आप देखो इसमें हल्की सी उसके इंटरनल बॉडी के भी पार्ट्स हल्के नजर आ रहे हैं, रेड कलर की लाइन, ये फुल येलो कलर में रहेगी, लाइक एक गोल्डन बीटा होती है 24 कैरेट। इसके बाद आप नोटिस करोगे ये बीटा है जिसके कलर येलो में और शाइनी हल्के से होते हैं, बहुत खूबसूरत। और मैं तो चाहता हूँ अगर किसी को गिफ्ट करना है तो ये फिश गिफ्ट किया जाए। इस पीटा फिश की अगर आप कलर्स देखेंगे तो बेहद डार्क ब्राइट ब्लू कलर की है, और नीचे की फिन्स आप देख सकते हैं टिंज है इसको येलोइश कलर का, और सराउंडेड बाय ऑल ब्लैक कलर। ये वाला फारूक भाई क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं इसमें ब्लू कलर, ब्लैक कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है जी, तो ये एक फैंसी वैरायटी में आती है दोस्तों। और फैंसी जैसे कि आप देखोगे या तो पूरा ब्लू कलर होगा, शाइनी ब्लू कलर, या तो फुल ब्लैक या तो फुल येलो जी, ये थोड़ा यूनिक कलर है। आप नोटिस करोगे इसमें ब्लू कलर विद ब्लैक कॉम्बिनेशन, और उसके नीचे के जो फिन्स है उसमें हल्का सा येलो का शेड्स, ये एक अलग तरीके की खूबसूरती नजर आती है ये फिश में। राइट, और दिखने में काफी अच्छे तरीके से उभरता हुआ कलर दिख रहा है। और इसको आप छोटे से प्लांटेड टैंक में या छोटे से बाउल में अगर लाइव प्लांट के साथ में रखोगे तो आपके घर में चांद चांद लग जाएंगे दोस्तों। सही बात है। सो फारूक भाई और साहिल भाई, बहुत मज़ा आया वीडियो शूट करके, एंड इस बार भी आपने बहुत ही बेहतरीन कमाल के गज़ब के बीटास लेकर आए। कलर्स में डिफरेंस हमको देखने को मिला, पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिला। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वालिटी गोज हैंड इन हैंड विद क्वांटिटी, तो ऐसा एक ही आपका शॉप है जो क्वालिटी भी रखता है क्वांटिटी भी रखता है बीटास में। सो एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा डिलीवरी के बारे में, बहुत सारे लोगों ने हमको बोला था कि क्या एक्जॉटिक एक्वेटिक्स से होम डिलीवरी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ मुंबई में, स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा और बहुत लोगों की ऐसी क्यूरीज आती है कि आप तो हमें MP में डिलीवरी करवा दीजिए, दिल्ली में, नोएडा में, हैदराबाद में, तो दोस्तों दो फीस या तीन बीटा तक के हम लोग डिलीवरी डोर टू डोर करवा सकते हैं। अगर आपकी क्वान्टिटी है तो क्वान्टिटी भी हम करवा सकते हैं। आप अगर आपको लेना रहेगा तो आप हमें कॉल कीजिए, आपको नंबर और लिंक नीचे दिया हुआ है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आपका अगर आपको बीटा बुक करना है आप फोन पर बुक कर सकते हैं, साहिल भाई और मेरा नंबर दोनों का लिंक में दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये कंप्लीट बीटा का सेटअप और कंप्लीट डिफरेंट वराइटीज़ की बीटा आपने देखी, अलग अलग एग्जॉटिक वराइटी की बीटा देखी, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा दोस्तों वीडियो पूरी तरीके से देखें, और एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लाना चाहूँगा दोस्तों, बीटा के साथ साथ
हम एक कुछ नया करने जा रहे हैं हमारी शॉप में और एक यूनिक तरीके से, जो टट्रा वैरायटीज में हम एक पूरा नया डिस्प्ले रैक बनाना चाह रहे हैं। आपको एक छोटी सी झलक में दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये एम्प्टी रैक्स है, ये अभी कम्प्लीटली डिस्प्ले नहीं हुआ है, ये अभी इसको वर्किंग करना बाकी है हमारा। और काफ़ी डिटेल में अच्छी वैरायटी की, टेट्रा वैरायटीज की डिशेज, जो प्लांटेड टैंक के शौकीन लोग हैं वो हम करेंगे। बाकी डिटेल्स साहिल भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, किस तरीके से टैंक सेटअप किया जाता है और कैसे ये टेट्रा वैरायटी रखी जाती है। साहिल भाई, तो जैसा एज एवरीवन नोज ये नया टेट्रा का सेटअप किया हुआ गया है, इसमें वी हैव प्लानिंग टू कीप सिर्फ टेट्रा वैरायटीज आएगा, रेनबो वैरायटीज आएगा, श्रिम्स आएंगे एंड स्नेल वैरायटीज आएंगे, लोचेज आएंगे। आप देख सकते हो पूरा नया सेटअप है, टोटली न्यू, इसमें सिर्फ ड्रिफ्ट डाला हुआ है अभी फिलहाल, सेटअप इज स्टिल पेंडिंग। तो जब अपना एस जी का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उस वीडियो में जब तक ये पूरा रैक रेडी हो जाएगा विथ फिशेज एंड एवरीथिंग, तो आपको एटलीस्ट 25-30 वराइटीज ऑफ न्यू टेट्रास, श्रिम्स, लोचेज, ऑल एग्जॉटिक एंड एक्सक्लूसिवली ऑल इम्पोर्टेड, जो भी टेट्रा वराइटीज मेजोरिटी आती है अच्छी क्वालिटी की, वो आपको इसमें मिल जाएंगे, स्नेल्स मिल जाएंगे। सो भाई, वीडियो एंड करने से पहले एक फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं आपके व्यूवर्स को और हमारे एक्जोटिक एक्वेटिक के चाहने वालों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया दोस्तों, और वेट कीजिए नया रैक का, हमारे नया जो टेट्रा वैरायटी का सेटअप है उसका बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है दोस्तों, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें कुछ और नई चीज़ें जैसे रेप्टाइल्स वगैरह भी आपको दिखाए जाएंगे। तो आप वेट कीजिए, ऐसे इंस्क्रिप्शन चैनल पर आप हमारा वीडियो आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सलाम। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एजे इंसेप्शन, जब भी उनको टाइम मिलता है वो काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पे, टाइम निकाल के काफ़ी वेट करना पड़ता है उनको कभी कभार वीडियो निकालने, क्योंकि जो फिशेज आप देख रहे हो वो वैसे ही फ्लेयर नहीं करती है, इसमें उनका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो जाता है वीडियोज में फ्लेयर कराने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच, आप बहुत पेशेंटली वीडियोज निकालते हो। एंड यस, ये जो सेटअप है इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल, पूरा फिशेज साथ में और थोड़े रेप्टाइल्स के साथ में दिखाया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एस जी इंसेप्शन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू साहिल भाई एंड थैंक यू सो मच टू फारूक भाई एज वेल। एंड भाई, आपकी बीटा फेस इतनी कमाल की होती है, एवरी टाइम आप जो स्टॉक लेकर आते हो इतना कमाल का होता है, बींग अ बीटा फेस लवर, बीटा फेस फैन, बीटा फेस कीपर, मुझे उनके तरफ से आंखें नहीं हटती है, हमेशा ही मेरे लिए एक मेरे आंखों के लिए एक ट्रीट होता है, तो उनको देखना मेरे को ऐसा लगता है जितना देखा उतना कमी है उनको देखना, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू गाइज फॉर कीपिंग सच बीटा फेसेस इन अ वेरी वेल कंडीशन इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोबारा बहुत जल्द। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द एक्सॉटिक एक्वेटिक्स एक्वेरियम फिश शॉप लोकेटेड एट बकोला इन सांता क्रूज ईस्ट। हमने आपको इसमें बहुत सारे खूबसूरत बेहतरीन बीटा फिश देखा है, इसमें से कुछ कुछ बीटा फिश तो बहुत ही यूनिक थे, रेयर थे, अनयूजुअल थे, अनकॉमन थे। सो अगर आप एक बीटा फिश लवर हो, बीटा फिश कीपर हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बीटा फिश सबसे ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग, हैव वंडरफुल डे अहेड।